हम ये देखते हैं कि अल्लाह ने इंसानों को सही रास्ता बताने के लिए कई सारे मैसेंजर्स भेजे। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्वेंट किया या स्टार्ट किया या ओरिजिनेट किया या फाउंडर हैं वो, बल्कि इस्लाम वो रिलीजन है जो सारे पैगंबरों का रिलीजन था। इस्लाम सिल्म से आता है, मतलब सबमिशन। सारों ने ये सिखाया कि अपनी मर्जी को अपने मालिक के आगे सरेंडर करें। लेकिन पिछले प्रॉफिट्स और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़र्क ये है कि जो पिछले जितने अंबिया थे वो सारों का मैसेज अपने ज़माने और दौर और लोकेशन और पीरियड के लिए था। जब वो लोकेशन और पीरियड और ज़माना गुजर गया तो तब अल्लाह ने अपने डिवाइन विजडम में उन सारे मैसेजेस की हिफाजत नहीं की। हम देखते हैं कि बहुत सारी जो किताबें जो पहले ज़माने में अल्लाह की भेजी हुई वही थी, लेकिन बाद के ज़माने में लोगों ने उसके अंदर रद्दोबदल और चेंजेस किए। लेकिन कुरान क्योंकि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाने वाली किताब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में कोई और नबी और पैगंबर नहीं आने वाला, तो आगे के इंसानों को भी सही रास्ता जानना ज़रूरी था क़यामत तक के। तो एक अपफ्रंट चैलेंज है कुरान में कि ये किताब कभी चेंज नहीं होने वाली, और यही एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा था ये किताब वैसे के वैसी प्रिजर्व्ड है और वैसे के वैसी रहेगी। ये खुद एक बहुत बड़ी डिवाइन चीज़ है जिसे ऊपर वाले ने किया है और जिसके बारे में हम सब देख सकते हैं।